आज हम बनाएंगे ठंड में गर्माहट देने वाली तिल मावा बर्फी। इसे बनाने में इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं, स्टेप्स बहुत कम है और आसान इतनी कि कोई पहली बार किचन में जा रहे हैं तो भी इस बर्फी को एकदम परफेक्ट बना लेंगे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल भूनकर तैयार करेंगे। तो ये ले लिया पैन, कढ़ाई जब हल्की सी गर्म हो जाए फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और ये तिल कढ़ाई में डाल दीजिए। ये 2 कप तिल हैं, वजन में 250 ग्राम। इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। जैसे ही ये फूलने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तिल भूनकर तैयार हो जाएंगे। और तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं तो इसे ध्यान से भूनिए। इसे लगातार चलाते रहिए क्योंकि ये नीचे से भी जलने नहीं चाहिए बिल्कुल। तिल अगर जलेंगे या डार्क होंगे तो ये स्वाद में कड़वे हो जाएंगे, जो स्वाद आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये तिल देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया, फूले फूले दिखाई दे रहे हैं, ये भुन चुके हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और कढ़ाई में इन्हें थोड़ी देर चलाते रहते हैं और बहुत ही अच्छी सी महक आने लगी है इनसे। और इन्हें पीसने से पहले थोड़ा ठंडा जरूर कर लीजिए। मैं प्याले में भी इन्हें थोड़ा थोड़ा चला दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। ये थोड़े ठंडे हो गए तो इन्हें पीसने के लिए जार में डालते हैं। और चौथाई भाग तिल हमने साबुत बचा लिए हैं। और जो हम तिल पीस रहे हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरदरी पीसेंगे। और ये तिल पीस गए, ये देखिए इस तरह के दरदरी पीस लीजिए, बहुत जल्दी पीस जाते हैं। एक राउंड लगाया, बंद किया, दूसरे राउंड में ये पीसकर तैयार हो जाते हैं। अब सेम पैन को हमने पोंछ कर ले लिया, फ्लेम ऑन कर दी और अब भून रहे हैं मावा। ये 300 ग्राम मावा है, कप से नापेंगे तो 1.5 कप। इसको हमने बारीक सा तोड़ कर ले लिया है। मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनिए जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसकी गांठें इस तरीके से तोड़ते जाइए और चलाते जाइए। फ्लेम मीडियम रखें। मावा किसी भी डेयरी पर आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो आप इसे घर में दूध से बना सकते हैं। 1.5 किलो दूध में 300 ग्राम मावा बन जाएगा। मावा बनाने का तरीका तो आपको पता ही है, आप इसे मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। और मिल्क पाउडर से भी मावा बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली बर्फी है और स्वाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और देखिए 3-4 मिनट में ही मावा से अच्छी सी खुशबू निकलने लगी है। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और थोड़ा थोड़ा घी भी इससे बाहर आने लगा है। इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस ये भुन चुका। फ्लेम को धीमा कर लीजिए और अब इसमें डालिए शुगर पाउडर, ये 1 कप और ये 1/2 कप, वजन में ये 250 ग्राम। अब इसे मिलाते हुए थोड़ा और कुक कर लेते हैं। ये चीनी को पीस लें, शुगर पाउडर बन जाता है। और आपके पास बूरा है तो बूरा भी डाल सकते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए तब तक कुक कर लें जब तक कि ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। 2 मिनट में ही चीनी मावा के अंदर अच्छी तरीके से मिल गई और मेल्ट भी हो गई क्योंकि हमने पाउडर चीनी ली है। और अब इसमें डालेंगे ये तिल। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी तिल डाल दीजिए। एक बार फटाफट चला देते हैं क्योंकि नीचे से मावा लगना नहीं चाहिए। और ये जो साबुत तिल बचाए थे वो भी डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। फ्लेम धीमी ही रखनी है, फ्लेम बिल्कुल भी तेज मत कीजिए इस समय। अब इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर। 8 इलायची को छीलकर दरदरा कूट लिया है। एकदम ज़्यादा दरदरा कूटना है, बिल्कुल इसे बारीक नहीं करना। साबुत दाने रहें और थोड़े से दाने टूट जाएं। ये इलायची इसमें बहुत अच्छी लगती है और ताज़ा कुटी इलायची बहुत ज़्यादा खुशबू देती है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच घी। इससे थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस आएगी और टेस्ट भी आएगा। और इसे हम एकदम धीमी गैस पर ही मिला रहे हैं। आप सारी चीज़ें मिला रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मिक्सचर सूखा होता जा रहा है, तब आप इसमें 1-2 छोटी चम्मच दूध डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई तो ये जमने के लिए तैयार हो गई। फ्लेम को बंद कर दीजिए। ये ट्रे पर हमने थोड़ा घी लगाकर ले लिया है और ये मिक्सचर इस ट्रे के अंदर से दबा दबा कर एक जैसा कर लीजिए। इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ी सी बादाम कतरन। बिना इसके भी बर्फी बहुत अच्छी लगती है लेकिन इससे थोड़ी सी सुंदर दिखने लगेगी। और जब बादाम का टुकड़ा मुंह में आएगा
तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये थोड़ी सी पिस्ता कतरन, आप इनके बिना भी इन्हें बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और अब स्पैतुला से इन्हें अच्छे तरीके से बर्फी के अंदर दबा दीजिए और अब इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। ये बर्फी जम गई है, हम इसके पीसेस बना लेते हैं। पीसेस तो आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े जैसे भी चाहे बना सकते हैं। ये पीसेस काट कर तैयार कर लिए। तिल मावा की बर्फी बनकर तैयार है। सर्दियों की खास बर्फी है ये। इसे बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप तिल भूने तो वो हल्के से फूल जाए और उनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। मावा को भूनते समय फ्लेम को लो मीडियम रखिए और जैसे ही मावा से हल्का सा घी निकलने लगता है और वो मेल्ट हो जाता है पूरी तरीके से, इसे भी ज़्यादा मत भूनिए। मावा के अंदर चीनी मिलाएं तब फ्लेम को एकदम धीमा कर लीजिए। पूरी तरीके से मेल्ट होने पर तिल मिलाइए, सारी चीज़ों को मिलाइए और बर्फी जमा दीजिए। आप बहुत अच्छी तिल मावा बर्फी बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और बताइए कि कैसी बनी। और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।